वहां पर साफ है ना? सुनो, वॉशरूम है वहां, बोल रहा है साफ है, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ और यहाँ पे तुम कुछ ऑर्डर करके कुछ खा लो, ठीक है? मैं तब तक गाड़ी ठीक कराता हूँ। राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ रुक के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमारा मंदिर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो एक काम करो, गाड़ी तुम ठीक कर लो, ऑब्वियसली मैकेनिक गाड़ी ठीक करेगा तो ही निकलोगी ना यहाँ से, तुम्हारे यहाँ खड़े होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ खा लो, तुमने लाखनपुर से कुछ खाया नहीं है मानवी। इट्स ओके राहुल, मैं ठीक हूँ। इट्स नॉट ओके, हेलो, तुम मेरी प्रोटेक्शन करना चाहती हो ना, बिना खाए के बिना पिए के? तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना। अरे नहीं खाया मानवी, आज आप अव्वल दर्जे की चुड़ैल लग रही हो, तो जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, मेरे साथ हो, मेरी रेपुटेशन के बारे में तो सोच लो। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? मैंने कहा कि तुम चुड़ैल और भूतनी का मिक्सचर लग रही हो, बड़ी खराब लग रही हो यार, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ खा लो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम भी एक नंबर के भूत हो। पर जैसा भी हो, तुमसे तो ज्यादा हैंडसम हूं। मिस्टर राहुल सब्रवाल, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तो भूलो मत, पंगा मत लो मुझसे। ये ढाल होने के लिए कोई मिनिमम हाइट या बिल्ड की कैटेगरी नहीं होती? नहीं, मैं सोच रहा था कि 5 फुट 1 इंच की लड़की मेरी ढाल कैसे बनेगी। जाओ और दाल ऑर्डर कर लो प्लीज। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मानवी को इस खतरे से बाहर कैसे रखूं? कितना रिस्क ले रही है वो मेरे लिए। चल भाई जल्दी ठीक कर यार गाड़ी। अवंती जी, एक पूरी रात बीत गई लेकिन आपने एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, और आप तो जानती हैं कि मैं सच जाने बगैर आपको यहाँ से जाने दूंगा नहीं। अब फैसला आपको करना है कि आप कितने मिनट, कितने घंटे या फिर कितने दिन यहाँ रहना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ अवंती जी को बाहर ले जाने के लिए ही आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए अवंती जी के बेल के पेपर, चेक कर लीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने क्लाइंट को यहाँ से ले जाऊँ। श्योर, थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर। हाय, गुड बाय। रुको, मानवी, इस रुद्राक्ष की माला को तुम अपने पास रखना, क्योंकि तुम ढाल का काम कर रही हो तो ये माला हर समय तुम्हारी रक्षा करेगी। पर याद रहे, कभी भी इस माला को अपने से दूर मत करना, हमेशा इसे पहन के रखना। लेकिन अगर मुझे उन लोगों से मुकाबला करना है तो मुझे शेर बनना पड़ेगा। राहुल, इस त्रिशूल को तुम अपने पास रखो। एक बात का ध्यान रखना, इस युद्ध में जीतने के लिए तुम दोनों को हमेशा साथ रहना होगा। अब इसका पाठ शुरू करो।